अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। नमस्कार, इंडिया लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ फौबिया अंसारी। योगी सरकार की अनोखी पहल, विलुप्त हो चुकी सिरसा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए उठाया कदम। फिरोजाबाद के विधायक मनीष असीजा के अथक प्रयासों से सिरसा नदी का पानी एक बार फिर पहुंचेगा लोगों तक। सैकड़ों मनरेगा श्रमिक सिरसा नदी को पुनर्जीवित करने का कर रहे हैं कार्य। प्रशासन भी नदी के कार्य में दिखा सक्रिय। जिलाधिकारी चंद्र रुजर सिंह सहित मुख्य विकास अधिकारी नेहा जैन भी पहुंची मुआयना करने। देखिए इंडिया लाइव न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट। संयुक्त स्थलीय निरीक्षण है जिसमें जनपद के जिलाधिकारी महोदय, सीडीओ मैडम, डीडीओ महोदय और सिंचाई विभाग के लोग और लघु सिंचाई के लोग और पंचायती राज के सभी अधिकारी हैं। और हम लोग बस ये चाह रहे थे कि इस नदी को जो लगभग 100 किलोमीटर लंबाई पर बहती है, इसको बहुत ठीक प्रकार से साफ सफाई कर दी जाए। इसका जो प्रवाह है प्राकृतिक, इसके जो प्रवाह हैं जो किन्हीं कारणों से रुके हैं, कई कई गांवों में रास्ता बन गए हैं, कई कई पर बरसाती नालों से मिट्टी बहकर इतनी आ गई है कि दो दो तीन तीन चार चार मीटर ऊंचाई हो गई है, कहीं पर अतिक्रमण हो गया है, कहीं पर जो लगभग 24 चेक डैम बने हुए हैं वहां पर उसके दोनों तरफ अप स्ट्रीम में भी और डाउन स्ट्रीम में भी पानी रुका रहने के कारण से वहाँ पर जलीय वनस्पतियों का बहुत बड़ा, जिसे आप सामान्य बोलचाल की भाषा में झाड़ झंकाड़ कहते, इतनी घास है, इतनी जलीय वनस्पति है कि उसमें से कुछ निकल ही नहीं सकता है। तो ये सारी चीज़ों को चिन्हीकृत कराकर एक अभियान के तौर पर चार विभाग लगे हुए हैं। जिलाधिकारी महोदय खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सीडीओ मैडम इसमें खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी के निर्देशानुसार यह काम फिरोजाबाद के लिए जीवनदायिनी रहेगा, फिरोजाबाद के पर्यावरणीय संतुलन के लिए अपने आप में अभूतपूर्व काम होगा। एक जनप्रतिनिधि के रूप में मैं और इस क्षेत्र के पढ़ने वाले सभी प्रधान, सभी सामाजिक कार्यकर्ता, ग्रामीण और श्रमिक सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन हमने एक बात की और निवेदन अपेक्षा करी है विभाग के जो कर्मचारी भाई लगे उनसे कि इसको पूरे को प्रॉपर वो लिपिबद्ध कर दें। पूरी नदी का एक कागज़ पे नक्शा एक होता है, जब आप भौतिक स्तर पर काम करते हैं तो क्षेत्रवार वहाँ नदी का ढलान कितना है, बहने वाला क्षेत्र जो नीचे का है, जिस सभी जगह को नोटिस में लिया है। लेकिन कोई एक काम को अगर हम पूरा कर लेते हैं तो उसकी सार्थकता रहती है। 50% ये काम हो जाए, 40% वो काम हो जाए से बेहतर है। अगर एक बार ये चलेगा तो इसके साथ के जो बरसाती नाले हैं वो भी ऑटोमेटिकली लिए जाएंगे, तो इससे ही बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। नदियों में एक प्राकृतिक गुण क्या, मैं आपको बताऊं, ये जितने आप नाले बोल रहे हैं हमको पता भी नहीं लगेगा, ये इसका नेचुरल फ्लो है, इसका प्राकृतिक ढलान है जो आगे जाकर मैनपुरी इटावा होकर सेंगर नदी में मिलकर यमुना में मिलेगा। ये नदियाँ इंसानों ने तो बनाई नहीं है, तो इसका प्राकृतिक प्रवाह जो रुका है उसको हम ठीक कर ले जाएंगे, तो इस प्राकृतिक प्रवाह में और चीज़ें ऑटोमेटिकली मर्ज भी होंगी। सब ठीक हो जाएंगी तो मैं नहीं कहता, लेकिन जैसे कहते हैं ना कई बार, जैसे दिल कमज़ोर है तो दिल मजबूत हो जाएगा, तो 100 बीमारी में से 60-70 बीमारी तो दिल की ताकत की वजह से ठीक हो जाएंगी, खून पंप करेगा। ऐसी नदी जब चलेगी अपने नेचुरल फ्लो पर तो आसपास की जो बरसाती नाले हैं वो खुद इसका रुख पकड़ लेंगे, ऐसा हमारे को अनुभव की बात समझने में तो ये है। अब परिणाम जो आएंगे वो आने वाले समय, कब तक इसमें पानी आने की उम्मीद है? पूरी तरह लगातार काम कर रहे हैं और इसमें हम समझते हैं कि आने वाले समय में, इसको मैं नहीं कह सकता ऐसे इस वक्त और कहना ठीक भी नहीं रहेगा, लेकिन पूरी ताकत लगाकर, ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिक भाइयों को लगाकर, ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स इम्प्लॉय कर हम सोच रहे हैं कि ये नदी का काम पूरा हो। थैंक यू। देखिए, जैसा अभी विधायक जी ने बताया, ये सिरसा नदी हमारी बरसाती नदी है और इसमें काफ़ी जगह पर इंक्रोचमेंट वगैरह और या उसमें सिल्ट जमा हो जाना, उसकी वजह से इसमें बहुत प्रॉब्लम आई है और इसमें पानी का संचय पूरा नहीं हो पाता और कहीं ना कहीं ये इस एरिया को जिस डार्क जोन में आने के जो आ गया है, इसमें भी कहीं ना कहीं इसका एक रोल है कि ये नदी ठीक से इसमें जल संचय नहीं हो पा रहा है। तो इसी के लिए मनरेगा में इसको टेकअप किया गया है और सिरसा नदी में हमने इसका पूरा चेनेज बना रखा है। लगभग 100 किलोमीटर में जनपद में ये नदी बहती है
और जगह जगह पर पूरा गांव वाइज किस किस गांव में ये बह रही है, तो उस गांव में जो प्रवासी मजदूर से लेकर सभी हमारे मैनेजर्स मनरेगा श्रमिक हैं उन सभी को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। सभी को बताया गया है कि कितना उसका लेवल हम लोगों को रखना, कितनी खुदाई होनी है, फिर इसका जो साइड का जो रिटेनिंग वो है उसको कैसे जो मिट्टी खुदाई होगी वो उस पर चढ़ाई जाएगी, फिर उसको लेवल करके उस पर वृक्षारोपण का काम भी होगा। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है और सभी जगह पे काम हम लोगों ने लगा रखा है, लगातार उस चीज़ की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और जो भी काम हो प्रोडक्टिव काम हो और आगे चल के पानी जब बरसात हो तो पानी का संचय यहाँ पर हो, वाटर लेवल बढ़े, ये उद्देश्य है। और कहीं ना कहीं ये इस गाँव ये जितनी भी क्षेत्र से ये गुजरती है, हमारा कई ब्लॉक जो है वो डार्क जोन है जिसमें ये नदी होके गुजरेगी, तो हो सकता है कि आगे जाके फ्यूचर में वो उससे पानी का लेवल बढ़े और लोगों को जो समस्या आती है कि खारे पानी की समस्या वो भी दूर हो जाए। तो बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और सभी अधिकारी हमारे चार चार विभाग लगे हैं इसके लिए और सभी लोगों को डायरेक्शन है कि बहुत क्वालिटी वर्क यहाँ पर होना चाहिए और इसी चीज़ के लिए हम लोग लगातार भ्रमण भी कर रहे हैं। माननीय जनप्रतिनिधिगण सभी प्रधानों का सहयोग हम लोगों को मिल रहा है और आशा करते हैं कि कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। सर, फिरोजाबाद में पहले भी इस नदी की काफ़ी पहले भी इससे कई बार सफाई हो चुकी है, तो ये केवल बरसात के समय को देखते हुए सफाई हो रही है, ऐसा प्रॉपर फ्लो रहेगा इसमें पानी के, प्रॉपर आना जाना रहेगा इसमें? देखिए, ये पानी इसमें जमा होगा तो जाहिर सी बात है कि वो जो चैनल बने हुए हैं वहाँ से और जो बारिश होगी उससे पानी आएगा और पानी का संचय यहाँ पर हो, उद्देश्य वही है कि बीच बीच में चेक डैम टाइप के बने इसमें और ऐसा ना, ये हम लोग नहीं सोच रहे कि नदी फुल होकर चलेगी और दूसरे जनपद में पहुँच जाएगा उसका पानी, उस तरह का नहीं है। ये एक मतलब वाटर कंजर्वेशन का प्रोजेक्ट है बेसिकली और जितना हम इसको गहरा कर देंगे उतना ही पानी यहाँ पर रिटेन होगा, फिर वो पानी का वाटर लेवल बढ़ेगा और बहुत सारी जो समस्याएँ हैं कि यहाँ पे जो लोगों ने इंक्रोचमेंट कर लिया है, कहीं पे रास्ता बन गया है, तो ये सब समस्याएं भी दूर होंगी और एक नेचुरल सी बात है कि जो एनवायरनमेंट है उसके लिए भी इसका बहुत अच्छा पॉजिटिव रोल रहेगा। थैंक यू।